हेलो एवरीवन, आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम है हाथ में। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक हमसे कमेंट किया था, आप देख सकते हो। लिखा है, सैट डेस्कटॉप मदरबोर्ड का पावर सीक्वेंस के बारे में एक वीडियो बनाओ एंड डायग्राम के बारे में भी। ओके, तो 8 दिन पहले रिक्वेस्ट किया था, बहुत प्रेशर है काम के, इसलिए वीडियो लेट आ रहा है। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ओके, तो देखो, मैं दो पेपर प्रिंट आउट करके इधर पे बैठा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर से भी दिखा सकता था, बट मुझे लगता है आप पेपर में देखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो हमारा जो पूरा पावर सीक्वेंस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। मैंने पहले भी बताया है, एक एक हमारा जो आप अगर ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाओगे तो एक एक स्टेयर आपको चढ़ना पड़ेगा, एक एक सीढ़ी पहले चढ़ना पड़ेगा, फिर एक स्टेयर आएगा उसके बाद। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसे उधर पे चढ़ाई करते हैं, इधर पे भी हमारा जो वोल्टेज वगैरह होता है वो सब स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने ये लिया है, आप देख सकते हो, ये ECS का है, बहुत अच्छा होता है। ECS का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो एक ECS का ब्लॉक डायग्राम से मैं ये पूरा जो हमारा पावर प्लान होता है पूरा मदरबोर्ड का, उसे आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो, इधर पे लिखा गया है पावर सीक्वेंस रीसेट डायग्राम। ओके, तो ये पावर सीक्वेंस है पूरा, ये है ECS का एलिट ग्रुप जो होता है, ठीक है। उसका H61H2-M2 रिविशन 1.0 है। ओके, तो ये छोड़ दो, ये हमारा जो 61 हमने पकड़ा है इसलिए बिकॉज इससे ही हमारा मेन जो पावर प्लान वगैरह जो जेनाइन वगैरहशन होता है, इससे आप समझोगे तो आपको इजी भी होगा, और आगे जो पावर प्लान वगैरह आपको रीडिंग करना है 4th जनरेशन 5th जनरेशन वो क्लोजली सेम होगा, 4th 5th तक क्लोज सेम होगा, 6th 7th थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो पहले इससे हम समझेंगे, ये हमारा बेसिक है। ओके, और ये अगर समझ लो तो आपका 90% वर्क हो गया, ठीक है। तो चलो इसे देखते हैं, क्यों मैंने इसे चूज़ किया मैं पहले उसे बताना चाहता हूँ। आप अगर देखो तो इधर पे पूरा मार्किंग किया गया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके इधर पे 19, 4, 20, 20 ऐसे करके बहुत सारा नंबर भी दिया गया है, सिग्नल भी है। कैसा सिग्नल, ये जो है ये आप देखो, इधर पे 2 सिग्नल आपको ज़्यादातर दिख रहा है, ठीक है। एक है ये, तो ये है लो टू हाई सीक्वेंस। ओके, ये है लो टू हाई। तो जब हमारा वोल्टेज इधर पे आएगा, जब आप ट्रिगर करोगे वोल्ट को, तो इधर पे हमारा लो से हाई वोल्टेज बनेगा। बट इधर पे देखो, ये जो है ये हाई से लो हो रहा है, इधर पे क्या आएगा, हाई टू लो। ओके, ये जो है ये जो सिग्नल है CPU बी क्लॉक, ठीक है, ये क्लॉक सिग्नल है, ये हमारा हाई लो हाई का कंटिन्यूअस सिग्नल है, आप बोल सकते हो इसे PWM सिग्नल। ओके, ये क्लॉक सिग्नल है, ठीक है, ये क्लॉक सिग्नल है हमारा। और इधर पे और एक सिग्नल है, देखो इधर पे, ओके, पावर बटन पर जो पावर बटन इन होता है, उधर पे और एक सिग्नल है, वो जो है वो हाई लो हाई का सीक्वेंस बनाता है। इधर पे हाई फिर लो, लो स्टेटस थोड़ी देर चलता रहेगा, फिर वो हो जाएगा फिर से हाई। तो ये है हाई, H लिखता हूँ हाई के लिए, लो हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रिगरिंग के लिए। तो ये हमारा सिग्नल है, सिग्नल का नेम है। ओके, तो मैं इधर से पहले से एक नंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो, हमारा ये जो है ये ATX पावर सप्लाई जो होता है हमारा, जो है ये 24 पिन SMPS,
ये 24 पिन हमारा जो SMPS का पावर सप्लाई है वो है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये वाला जो हमारा कनेक्टर होता है, ओके। इसमें जो रेड हमारा है वो 5 वोल्ट है, ओके। जो हमारा ऑरेंज है ये 3.3 है, येलो है 12 वोल्ट, ओके। और कुछ इम्पॉर्टेंट माइनस वाला वोल्टेज होता है जो है, ये है -12 वोल्ट, ओके। ये -12 वोल्ट है, और आपको दो मिलेगा, पर्पल और ग्रे। पर्पल है हमारा 5 वोल्ट स्टैंड बाई, ग्रे है हमारा 5 वोल्ट पावर गुड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर ये मिसिंग हो जाएगा ना तो डिस्प्ले नहीं आएगा, बोर्ड ओके होगा तो भी CPU का फैन घूमता रहेगा। SMPS अगर चेंज ना करो इसके वजह से डिस्प्ले मिसिंग हो जाता है। और ये है हमारा PS ऑन, इससे इधर पे भी 5 वोल्ट आता है। ये हमारा ट्रिगरिंग जो होता है, मैं अगर इसे ट्रिगरिंग करूँ, ये हमारा पावर सप्लाई जो हमारा SMPS है, ये SMPS है, इसको ट्रिगर करता है, ओके। तो ज़्यादा SMPS के बारे में नहीं जाना चाहता, बिकॉज़ ये मदरबोर्ड के लिए है, रिक्वेस्ट किया गया है डेस्कटॉप मदरबोर्ड के लिए, तो मैं इसलिए डेस्कटॉप मदरबोर्ड को ही फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो इधर पे लिखा गया है, थोड़ा सा मैं क्लोज ले लेता हूँ, ओके। हाँ ठीक है, इधर पे आ रहा है, ओके। चलो मैं मेरा चेयर को भी थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। हाँ देखो, पहला जो है, ओके, पहला एक नंबर पे जो है, एक नंबर, वो पिन नंबर 9 के साथ कनेक्टेड है हमारा ATX पावर जो है, ये है 5 वोल्ट SV, SV का मतलब स्टैंड बाई। ये जो वोल्ट आपको मैं कलर बता देता हूँ, आप थोड़ा सा याद रखिए इसे, ओके, नहीं तो आपको दिक्कत होगा जब आप काम करेंगे। ये जो 5 वोल्ट SV है, मैंने जो दिखाया, आप थोड़ा सा वीडियो को पहले पीछे जाइए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कनेक्टर का, आप मेरे मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ आप मिला लीजिए, ओके। ये है हमारा पर्पल वायर, इधर पे जब भी हम, ये पहला वोल्टेज है जो हमारा बोर्ड में बनेगा, ओके। देखो ये पहले लो था, ये एल, मैं एल और एच से लो एंड हाई सीक्वेंस बताता हूँ। लो का मतलब 0 वोल्ट, हाई का मतलब उसका जो टॉप वोल्टेज है, ओके, टोटल जो फाइनल वोल्टेज है। तो इधर पे हमारा फाइनल वोल्टेज 5 है, तो हाई होगा 5 वोल्ट। तो ये हमारा लो से हाई हुआ, पहले जब आपका पावर कनेक्टर मैंने प्लग किया तभी पहला जो वोल्टेज है वो निकला 5 वोल्ट। ये जो 5 वोल्ट है, ओके, ये 5 वोल्ट SV, ठीक है, स्टैंड बाई, वो हमारा एक LDO की हेल्प से, ओके, एक LDO की मदद से वो 5 वोल्ट इधर पे 3.3 वोल्ट होके हमारा सुपर आयो को मिलेगा। देखो इधर पे 3VS लिखा गया है, इसका मतलब है आयो के लिए, इसका मतलब है 3 वोल्ट स्टैंड बाई। तो 5 वोल्ट स्टैंड बाई से 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई बनाया गया है, ऐसा एक LDO होगा हमारे पास, ओके, ऐसा एक LDO होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इधर पे होगा 5 वोल्ट इन, इधर पे हमारा इन है, ये ग्राउंड, ओके, ये हमारा 3.3 है। अब चेक कर लो, मेरा प्रीवियस वाला एक वीडियो मैंने बनाया था, ज़ेब्रोनिक्स का ब्लास्टिंग का केस था, तो ब्लास्टिंग वाला जो केस आता है उधर पे हमारा स्टैंड बाई ही फॉल्टी पहले पाया जाता है। स्टैंड बाई का वोल्टेज इंक्रीज करता है, स्टैंड बाई वोल्टेज इंक्रीज करेगा ब्लास्टिंग के केस में, SMPS जब ब्लास्ट होता है, तो ये जो 5 वोल्ट है हमारा LDO पे आएगा, LDO अगर शॉर्ट हो गया तो 5 वोल्ट टोटली चला जाएगा सुपर आयो पर, और हमारा सुपर आयो वगैरह डैमेज हो सकता है। तो ये पहला स्टेप है, तो ये क्या हुआ हमारा 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई, ओके। तो ये इधर से एक नंबर पे आया, ओके। दो नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे, दो नंबर पे हमारा है पावर बटन जो होता है, वो जो सिग्नल है पावर बटन। तो हमारा जो सिस्टम है उधर पे, ये जो लिखा गया है 29 54 55, ये हमारा जो SIO होता है, सुपर आयो, ये देख सकते हो मॉडल IT का चिप है,
8728। आप अगर चेक कर लो इस डायग्राम को तो आपको मिलेगा जो मेरा पहला जो सिग्नल 3.35 वोल्ट कन्वर्ट होकर 3.3 में जा रहा है वो पिन नंबर 23 पे एज ए स्टैंड बाई जा रहा है। ओके, तो ये है हमारा पहला वोल्टेज। सेकेंड, हमारा जो पावर कनेक्टर होता है, हमारा जो मदरबोर्ड में आप लोग जानते हैं जिधर से हम ट्रिगरिंग करते हैं उधर पे हमारा 3.3 प्रेजेंट होता है, राइट, 3.3 होता है। अगर मैं उसे टच करके छोड़ दूँ तो हमारा जो सिग्नल बनता है बोर्ड में उसे बोलते हैं हाई लो हाई का सीक्वेंस। देखो इधर पे लिखा गया है एफ़ पी, इसका मतलब है फ्रंट पैनल अंडरस्कोर पी बी आर, इसका मतलब है पावर, बी टी एन इसका मतलब है पावर बटन। ओके, तो इतना आप समझ लो, इसको आपको रीड करना है नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा इसके ये क्या बताना चाहता है। तो ये है फ्रंट पैनल का पावर बटन का मेरा सिग्नल, तो हम इसे क्या करेंगे, टच करके छोड़ देंगे। तो पहले हमारा वोल्टेज होगा 3 वोल्ट, जब हम टच करेंगे उसे, दो पॉइंटर को मैंने इधर पे कोई बोर्ड है, मैं एक सेकंड में दिखा देता हूँ। चलो इस बोर्ड पे एग्जांपल के तौर पे ले लेता है। इधर पे देखो लिखा गया है JFP। ओके, इसका मतलब है जंपर कनेक्टर बोले जाता है, FP मतलब फ्रंट पैनल, JUSB लिखा गया है। तो ये हमारा जो पिन है, दो पिन है, इस दो पिन का स्टेटस अगर चेक करो, एक पिन आएगा ग्राउंड के साथ बीप और एक पिन आएगा 3.3 के साथ बीप। ओके, तो मैं ग्राउंड के साथ दिखा देता हूँ, देखो ये ग्राउंड के साथ बीप है, ये हमारा मेन जो 3.3 इधर पे प्रेजेंट होता है वो है। तो अगर मैं इसे शॉर्ट करूँ, ऐसे शॉर्ट कर रहा हूँ ना, तो क्या सिग्नल बनेगा वो आपको समझना है। थोड़ा सा मैं बोर्ड को रख देता हूँ। आपको जो सिग्नल बनेगा वो है हाई लो हाई का सीक्वेंस। इसका मतलब पहले हाई होगा, 3.3 आएगा उधर पे, अब जब टच करोगे ग्राउंड के साथ तब वोल्टेज क्या होगा, गिर जाएगा। ग्राउंड के साथ टच करोगे तो उसे से शॉर्ट बोलते हैं ना, वोल्टेज अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो लो हो जाएगा, फिर आप छोड़ दोगे फिर वो ग्राउंड के साथ क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट क्लियर हो जाएगा तो वोल्टेज फिर से बन जाएगा। इससे हमारा जो सुपर आयो होता है, इसे बोलते हैं सुपर आयो, देख सकते हो ये जो सुपर आयो है, इससे मालूम पड़ता है हमने ट्रिगरिंग कर दिया बोट का। ओके, ट्रिगरिंग कर दिया, तो ये मेरा सेकेंड स्टेज है। थर्ड वाला स्टेज में देखो इधर पे एक फिर से लिखा गया है 3 वोल्ट 3 VSB। ये जो है ना, ये हमारा 3.3 वोल्ट जो होता है, हमारा SMPS का 3.3 वोल्ट, जब भी हम ट्रिगरिंग कर दे, ठीक है, ट्रिगर जब भी हम कर दे तो ये हमारा जो 3.3 वोल्ट SB है वो प्रेजेंट हो जाएगा। देखो हाई से, सॉरी लो से हाई हो गया, ये पहले लो था फिर हाई हो गया, ठीक है। तो ये इधर पे लिखा गया है, एक लिखा गया है 3 VSB 3 वोल्ट स्टैंड बाई, इधर पे लिखा गया है सिस्टम अंडरस्कोर 3 SB, इसका मतलब ये सिस्टम के लिए यूज़ करना जो करे, क्या बोलते हैं उसे, जो करा गया है, जो सिस्टम के लिए जो 3.3 यूज़ किया है वो प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, 3.3 नंबर, ये सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं। एक नंबर पे हमारा 3.3 आया, दो नंबर पे हमने ट्रिगरिंग दे दिया, तीन नंबर पे हमारा जो स्टैंड बाई सप्लाई है 3.3, जो मेरा पावर सप्लाई होता है 80X का, वो ऑन हो गया। ओके, चलो अब फोर्थ नंबर किधर पे है देख लेते हैं। देखो जब, अगर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, अगर आप समझ लो तो बहुत आपको हेल्प भी मिलेगा, आपको समझने में बहुत इजी भी होगा। हमारा जो सुपर आयो है, हमारा जो ये है, जो लिखा गया है ना, ये जो हमारा चीज़ है, ब्लॉक है, ये है हमारा PCH। ओके, मैं लिख देता हूँ इधर पे, ये है हमारा, इधर पे लिख देता हूँ PCH। ओके, और ये जो सैंडी ब्रिज लिखा गया है, ठीक है, ये हमारा है जो थर्ड जिन जो CPU होता है। ओके, ये है हमारा CPU, और ये क्या है, VCore IC है, ये VTT IC है, ये सब IC वगैरह है, ठीक है। तो देखो ये सब ना आपस में कम्युनिकेशन करता है, इसका मतलब आपस में बात करता है, आप समझ लो ये इसका दोस्त है। ओके, ये दो दोस्त है,
ATX का भी साथ इसका कनेक्शन है, ये भी दोस्त है इसका, प्रोसेसर भी दोस्त है इसका। सो सब जो दोस्त है वो एक साथ एक पैन हमारा सर्किट में बिठाया गया है, ठीक है। तो जब आप ट्रिगरिंग दोगे तो एक दोस्त के कहेगा जो मुझे ट्रिगरिंग मिल गया है, अब मैं क्या क्या ऑन करूँ, कितना सप्लाई मुझे जेनरेट करना है, ये सब कम्युनिकेशन होता है, इसे ही बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। ओके, आपने बहुत सुना होगा PCH से CPU का कम्युनिकेशन, PCH से सुपर आयो का कम्युनिकेशन, ये हमारा कम्युनिकेशन पाथ है। तो चलो इसे आप अच्छे से देख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं इसे ज़रूर ध्यान से देख लो। मैं वीडियो को दो बार देख लो कोई बात नहीं, बट इसे अंडरस्टैंड अगर कर लिया तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है, आप बहुत कुछ कर जाओगे रिपेयर की फील्ड में ना, बहुत कुछ कर जाओगे। चलो आप देखते हैं, इधर पे देखो चार नंबर, इधर पे हमने तीन नंबर पिन तक चला गया, तीन नंबर जो स्टेप था तो ये सीरी के जैसा है, मैंने बोला ये एक स्टेप फिर आप हुआ, फिर और एक स्टेप, फिर और एक बार आप हुआ, ऐसे करके स्टेप हम चढ़ते जाएंगे। ओके, ये स्टेप वन, ये स्टेप टू, ये स्टेप थ्री, ऐसे करके हम स्टेप चढ़ते रहेंगे। ओके, तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप 3.5 वोल्ट आया, 3.3 में कन्वर्ट हुआ, LDO के मदद से चला गया सुपर आयो में, फिर हमने पावर बटन पर ट्रिगरिंग दे दिया, थर्ड में हमारा जो मेन पावर है 3.3 वोल्ट वो प्रेजेंट हो गया। अभी चार नंबर पे हमारा सुपर आयो हमारा PCH को बोलेगा, PCH को एक सिग्नल देगा जो हमारा जो पहला पावर बटन प्रेस हो चुका उसके तुरंत, आप जब भी वो पावर बटन ट्रिगर कर दोगे वो तुरंत ही वो एक सिग्नल PCH को दे देगा, तो मेरा जो PCH है वो समझेगा पावर बटन जो हमारा यूज़र है उसने दबा दिया। ओके, तो देखो चार नंबर पे हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सप्लाई जा रहा है, इसे बोलते हैं RSM रिसेट। ये देखो कैसे लिखा गया है, RSM RST, इसे आपको पहचानना है, इसे बहुत लोग बोलते हैं, इधर पे लिखा गया है RSM रिसेट हैश। ओके, तो ये जो सिग्नल है ये लो से, ये लो कंडीशन में था, लो से हाई कंडीशन में चला जाएगा जब भी आप पावर बटन दबाओ। पावर बटन से पहले अगर इसका स्टेटस आप चेक करो पिन नंबर 45 पर तो आपको मिलेगा लो। आप जब भी उसे दबाओगे, समझो आपके पास एक बोर्ड आया है वो ट्रिगरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको जो पहला स्टेज है वो देखना है 3.3 मिल रहा है कि नहीं इस ये आयो को। सेकेंड में आपको देखना है पावर बटन जो आप प्रेस कर रहे हो उसका जो सिग्नल है हाई लो हाई कैसा बनेगा, 3.3 जीरो फिर 3.3 आ जाएगा, ये जो हाई लो हाई का सीक्वेंस है वो पिन नंबर 35 पर के रजिस्टर हो रहा है। रजिस्टर का मतलब क्या है, अगर मैं इधर से दबा रहा हूँ बट पिन नंबर 35 के बीच में जो कंपोनेंट लगाया गया है बोर्ड का ट्रैक है वो कट गया है तो बोर्ड नहीं ऑन होगा। आप पिन नंबर 35 में डायरेक्टली एक ट्विज़र के मदद से एक पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके, ये समझो एक ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके ऐसे पिन नंबर 35 को टच कर दो, इसके भी क्या होगा वो हाई लो हाई का सीक्वेंस बन जाएगा, आपका बोर्ड ऑन हो जाएगा अगर इधर पे हाई लो हाई नहीं हो रहा है। समझो इधर पे भी हाई लो हाई हो गया। ओके, 3.3 वोल्ट जो पिन नंबर 31 पे प्रेजेंट होना चाहिए वो भी हो गया, ठीक है। अभी इधर पे रुक जाओ, अभी देखो आपका जो पिन नंबर 45 पर स्टेज 4 में हमारा जो सिग्नल बनना था वो था RSM रिसेट। अगर वो बना है फिर मेरा सुपर आयो उसका काम स्टेज बाय स्टेज कर रहा है, पहला जो स्टेज है वो कर दिया। ये देखो एक बार, जब भी सुपर आयो के तरफ से हमारा रिस्पॉन्स चला जाएगा PCH पर, PCH उसके बिहाफ पर, इसके साथ और एक सिग्नल चाहिए, एक पहले तो RSM रिसेट मिल गया, ये पहला है जो सुपर आयो आफ्टर ट्रिगरिंग देगा फास्ट स्टेज में। ओके,
और एक आएगा पिन नंबर 5 पर, देखो एसआईओ पावर बटन एल करके लिखा गया है, ये 2 ये भी होगा, इसे पावर ऑन बोलते हैं, पावर ऑन हैश सिग्नल, इसे पावर बटन हैश ये भी जाएगा, ये पावर बटन हैश, देखो ये पावर बटन हैश जाएगा हमारा पीसीएच पे। बट इधर पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहला जो आरएसएम रीसेट है वो लो से हाई होगा, 0 से 3.3 में जाएगा, और पावर बटन जो है ये लो सिग्नल बनाएगा, ये हाई से लो होगा, पहले हाई था फिर लो हो गया। ओके, ये दो सिग्नल अगर सुपर आयो ने भेज दिया हमारा पीसीएच को, इसका मतलब हमारा सुपर आयो पहला स्टेज का परफॉर्मेंस परफेक्टली कर चुका है। अब अगर पीसीएच परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो हमारा बोट ट्रिगर नहीं होगा। इधर पे हमारा आता है जो स्टेजेस है, आप लोग बहुत सुने हो जो बोलते हैं SLP S4, SLP S5, SLP S6, ऐसा कुछ सिग्नल का नाम अगर आपने सुना है वो हमारा PCH जो है वो हमारा आयो को स्टेज बाय स्टेज ऑन करने के लिए, मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो पहले आएगा S5, फिर आएगा S4, फिर आएगा S3, S3 है फाइनल स्टेज। ओके, और अगर कोई बोर्ड में S5 स्टेज अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके पहला वाला जो है S4 वो होगा पहला मेरा सिग्नल। तो इधर पे अच्छे से देखो, तो ये एरो मार्क भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ये है आयो, ओके ये है आयो, आयो की तरफ से मेरा फोन नंबर स्टेज पे चला गया RSM रीसेट हाई सिग्नल, फिफ्थ नंबर स्टेज पे एक ही साथ इसके जस्ट 1 मिलीसेकंड के बाद आप समझ लो आ गया मेरा पावर बटन जो प्रेस हो चुका उसका आउट। ओके, इसे बोलते हैं पावर बटन आउट भी बोलते हैं, पावर बटन हैश बोलते हैं, ऐसा बहुत स्कीमेटिक जो है आपको रीड करना पड़ेगा। इस इधर पे जो लिखा गया है उधर पे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पावर बटन आउट हो सकता है, ठीक है NB पावर बटन हो सकता है, NBS पावर बटन हो सकता है, बहुत कुछ नाम है आपको जब आप रिपेयर करोगे लैपटॉप का मदरबोर्ड, उधर पे तो एवरी ब्रांड जो है वो खुद का सिग्नल का नाम यूज़ करता है, बट जो एंड में जो होता है उससे हमको मालूम पड़ जाता है ये मेरा ये सिग्नल का नाम है। ओके, तो पहले ये आपको बेसिक वाला समझ लेना है, फिर करते करते आप ज़रूर सीख जाओगे। ओके, तो अभी देखो जब भी ये दो सिग्नल हमारा PCH को चला गया, अगर PCH का रिक्वायरमेंट ओके है, ये बहुत लोग समझते नहीं है रिक्वायर्ड का मतलब क्या है। PCH का इनिशियल में कुछ रिक्वायरमेंट होता है, आपको पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है वो है RTC। तो अगर आपको हमारा PCH को RTC नहीं मिला है तो ये सब अगर नहीं जेनरेट कर रहा है वो आउट रिटर्न में, तो आप चेक कर सकते हो। तो PCH का भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा वो। तो अभी हम कम्युनिकेशन का बात कर रहे हैं, तो चलो अभी जब भी वो हमने ये दो सिग्नल चला गया इसके बिहाफ पर PCH सुपर आयो को दो सिग्नल देगा। ओके, SLP S4, SLP S3, इसे बोलते हैं SLP S4 hash, SLP S3 hash, और SUS C SUS B। तो आपको देखना है पहले कौन बनेगा, बहुत लोग बोलते हैं सस बी पहले बनेगा, बी ए बी है फिर सी है, बट इधर पे ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इधर पे सस सी पहले बनेगा फिर सस बी बनेगा। ये जो सस वाला सिग्नल होता है इसको सस क्यों बोला जाता है, इसको बोलते हैं सस्पेंड सिग्नल। ओके, ये सस्पेंड है, जब भी हम ट्रिगरिंग करेंगे वो सस्पेंड लेवल से वो ऑन हो जाएगा, और ये सस्पेंड का सिग्नल के यूज से ही हमारा रैम को ट्रिगर करता है, हमारा जो GFX वोल्टेज है, GFX नहीं सॉरी आप समझ लो क्या बोलूँ मैं, स्टेज पे हमारा ये बहुत लैपटॉप के मदरबोर्ड में ना बहुत स्टेजेस होता है, उधर पे रन सिग्नल होता है,
तो ये वगैरह जो सिग्नल्स हो, जो कंट्रोलिंग सिग्नल्स होता है वो हमारा ये जो S4 S3 ऐसे जो सिग्नल्स है इससे बनाया जाता है। ओके, तो अगर एक आपको समझ लो रैम के बाद वाला कुछ वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है, मैं मदरबोर्ड लैपटॉप की मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर लैपटॉप में मदरबोर्ड के आपको देखा रैम मिल रहा है, उसके बाद वाला जो सिग्नल इस जो स्टेप में आ रहा था, जो वोल्टेज बनना था वो नहीं हो रहा है, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर इसका सस आपको पहले सस सी मिलेगा, सस सी में एक स्टेज वोल्टेज मिलेगा, उसके बाद आपको देखो इधर पे सस सी के लिए इधर पे लिखा गया है सस सी हैस, इधर पे लिखा गया है सस बी हैस, इधर पे लिखा गया है SLP_S4 हैस, इधर पे लिखा गया SLP_S3 हैस। तो ये जो SLP_S4 हैस है ये इधर पे हमारा जो स्टेजेस का वोल्टेज बनेगा, एक स्टेज तक वो वोल्टेज बनेगा, उसके पार S3 पर हमारा फाइनल वोल्टेज बनता है, ठीक है, वो फाइनल वाला जो स्टेज है वो S3 होता है। तो जब भी हमारा PCH को दो सिग्नल मिला तो इसके बिहाफ पर PCH दो सिग्नल रिटर्न कर रहा है। देखो हमारा है 6 नंबर, तो 5 के बाद 6 नंबर पर मैंने बोला अगर 5 नहीं है, SLP_S5 नहीं है तो आपको मिलेगा SLP_S4। तो इधर पे S5 नहीं है, S4 रिटर्न किया, कैसा सिग्नल, लो से हाई, फिर से और एक सिग्नल 7 नंबर जो है स्टेज 7 इधर पे आया SLP_S3 हैश, ये भी लो से हाई, किधर से किधर तक जा रहा है, PCH की तरफ से SIO पे जा रहा है। अभी PCH रिस्पॉन्ड कर दिया, मेरा SIO को ट्रिगरिंग करने का जो मैंने ट्रिगर किया था उसके बिहाफ पर मेरा जो SIO है PCH है वो रिस्पॉन्ड कर दिया। अभी हमको देखना है स्टेज 8 क्या है। ओके, देखो स्टेज 8 में जब ये सब बन जाएगा फिर हमारा जो PS ऑन होता है, वो ग्रीन वाला जो पावर सप्लाई का मैंने बोला था, वो इधर से हाई से लो हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं SMPS को चलाने के लिए ग्रीन और ब्लैक प्रोब में एक ट्वीजर को घुसा देते हैं, इसका मतलब क्या है, वो हाई से लो हो गया, इसका मतलब मेरा मेन पावर सप्लाई ऑन हो गया। इससे एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो मैंने स्टडी करके तो ये नहीं बैठा हूँ ना, जब मैं पढ़ाई कर लूँ आपके साथ भी, देखो मैंने एक चीज़ बताया था। ओके, इधर पे जो स्टैंड बाय लिखा गया है 3 वोल्ट SV, ये मैंने बोला था जो हमारा SMPS का वो पावर वाला जो 3.3 है वो है, बट इधर पे तो हम लोग देख रहे हैं वो नहीं है। देखो कैसे मैं इसे अंडरस्टैंड किया, आपको भी ऐसा गलतफहमी होगा, ठीक है, मैंने स्टडी करके नहीं बैठा हूँ, आपके साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको जो ये सब बोलते हैं ना, जो जिसके पास इतना नॉलेज है वो पहले से स्टडी करके बैठता है, कोई भी भूल जो गलत कुछ ना बता दे, ठीक है, तो मैंने गलत बताया है, मैं फिर से रेक्टिफाई कर देता हूँ। देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर 8 नंबर पर अगर मेरा PS ऑन सिग्नल होगा 8 नंबर पर, स्टेज 8 पर, तो पहले 3 पे कैसे मेरा सप्लाई ऑन हो गया, ये जब तक PS ऑन को मैं ग्राउंड से नहीं कनेक्ट करूँगा तब तक तो मेरा पावर सप्लाई ऑन ही नहीं है, तो कैसे मेरा 3.3 आ जाएगा। तो इसलिए मैं इधर पे थोड़ा रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, बिकॉज इधर पे लिखा गया है सिस्टम, तो सिस्टम के लिए हमारा ज़्यादातर स्कीमेटिक पे हमारा लिखा जाता है, बट मुझे ये ध्यान रखना था कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कैसे 3.3 बन जाएगा। ओके, तो आपको भी ये ध्यान रखना है। तो चलो मैं इसे रेक्टिफाई करके एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मेरा 3.3 है, ठीक है, 3.3 SV, यही SV हमारा और एक जो LDO है उसके मदद से, और एक IC होगा, LDO होगा, उसके मदद से 5 वोल्ट जो है वो कन्वर्ट होके 3.3 चला जाएगा मेरा सुपर आयो के पिन नंबर 31 पर, ये हो जाएगा सुपर आयो के लिए पावर। ओके, सुपर आयो का जो पावर है वो हो जाएगा, ठीक है, ये सिग्नल है, ये पावर है, किससे भी सुपर आयो ऑन हो सकता है, आपको वो मालूम नहीं पड़ेगा जो कौन सा सुपर आयो के लिए पावर है, आपको स्कीमेटिक देखना पड़ेगा, ठीक है, पिन नंबर कौन सा इसका VCC है और VDD है, ठीक है। तो चलो मुझे माफ़ कर दो इसलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर इसका कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, तो मेरा PS ऑन हो जाएगा। तो जब तक मेरा
जो ट्रिगरिंग का जो प्रोसेस होता है, पहले ट्रिगरिंग से पहले जो प्रोसेस होता है, जब तक मेरा SMPS चालू नहीं होता, ये सब हो जाता है, ये सब केस हो गया है। जब हो गया है, रिटर्न आ गया फाइनल S3 का मैसेज आयो को, तब आयो ही ग्राउंड करता है वो जो मेरा क्या बोलते हैं PS ऑन का जो सिग्नल है उसे ग्राउंड करते हैं। तो ग्राउंड कर दिया PS ऑन, मेरा जो फैन है SMPS का वो चल गया, मेरा जो और जो पावर सेक्शन वाला जो वोल्टेजेस होता है, स्टैंड बाई नहीं, पावर 5 वोल्ट पावर, 12 वोल्ट पावर, 3.3 पावर, वो जेनरेट होना चालू कर देगा। 8 के बाद देखो पिन नंबर 55 पे लिखा गया V in 1। ओके, ये जो V in 1 है VCC है, इधर पे जो लिखा गया है ये 9 है। ये क्या है मैं बता देता हूँ, आप अगर चेक कर लो इसका, इसको मिलेगा V in 1, V in 2, V in 3, ऐसे करके। ओके, तो एक जो है वो होगा 12 वोल्ट के लिए, एक होगा 5 वोल्ट के लिए, एक होगा 3.3 वोल्ट के लिए। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारा सुपर आयो देख रहा है, वो देख सेंस कर रहा है जो ATX का पावर सप्लाई है वो सभी ऑन हुआ कि नहीं। तो मेरा पिन में हमारा आपको दिखा, इधर पे देखो, इधर पे लिखा गया है 21, 4, 6, 23, ऐसा कुछ लिखा गया है बिकॉज ऑफ ये मल्टीपल पिनों पर आता है। ठीक है, अगर ये 55 है तो 55 ऐसा हो सकता है, ठीक है, 56, 57, ऐसे करके जो हमारा जो ATX का जो पावर का जो फाइनल आउटपुट है उसे चेक करेगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाता है हमारा आयो पर, 12 वोल्ट डायरेक्ट चला जाएगा तो आयो फूक जाएगा, राइट। तो ये वोल्टेज डिवाइडर की मदद से एक पार्टिकुलर वोल्टेज जाता है, उससे वो समझ लेता है अगर 12 वोल्ट बन गया तो ये पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा, ये अगर मुझे मिल गया तो हम समझ लेंगे 12 वोल्ट प्रॉपरली आ रहा है, ऐसा करके सर्किट डिजाइंड होता है। ठीक है, आप इसे स्कीमेटिक में देख लो, मैं जो बता रहा हूँ वो चेक कर लो। ठीक है, तो 9 नंबर पिन पे हमारा जो वी इन वाला जो पोर्शन होता है वो सुपर आयो का मिल गया। तो चलो 10 नंबर ढूंढते हैं, 10 नंबर किधर पे है। ठीक है, तो 10 नंबर इधर पे, 1 सेकेंड, 11 दिख रहा है पावर गुड का सिग्नल। ठीक है, 10 नंबर क्या है, 10 नंबर इधर पे एक है। ओके, ये VTT का सिग्नल आ रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं पावर। ओके सिग्नल 12 नंबर पिन है, 10 नंबर थोड़ा सा गलत लग रहा है। ओके, 1 सेकेंड, ये है कोर का VTT पावर गुड। VTT बन गया क्या? ओके, पावर ओके सिग्नल, हाँ ठीक ही है, प्रॉपर है। ओके, गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा श्योर हो जाता हूँ। ठीक है, आपके साथ ही वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है जो मैंने पहले सब देख के रखा है फिर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इधर पे एक चीज़ आपको दिखाना है, हमारा जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा जो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, पहला जो स्टेज में वोल्टेज बनता है वो मेरा होता है रैम वोल्टेज। ओके, पहले ही बन जाता है वो। ठीक है, वो से किसी का मदद की ज़रूरत नहीं, वो बन जाता है। देखो इधर पे 9 दो जगह पे मेंशन है, इधर पे एक 9 है, इधर पे एक 9 है। तो जब भी हमारा PSON आ गया, जब भी मेरा वोल्टेजेस वगैरह जेनरेट कर गया, तब भी मेरा जो PCH का जो रैम के पावर लेकर, आप ऐसे देख अगर देखोगे, ये मेरा MOSFET है। ओके, ये मेरा MOSFET है, ऐसा कुछ होता है। ओके, इधर पे आया मेरा 1.5 वोल्ट रैम, गेट वोल्टेज कंट्रोल करेगा, समझ लो 3.8 से गेट वोल्टेज कंट्रोल किया, आउटपुट में मुझे मिल गया 1.05 वोल्ट वोल्ट PCH। ये PCH के ये वोल्टेज है, जब भी मेरा पावर मेरा ATX ऑन होगा, वोल्टेज जेनरेट करेगा, उसी टाइम पे रैम वोल्टेज बन गया है और रैम से PCH का भी वोल्टेज बन जाएगा। देखो PCH वोल्टेज क्या हो रहा है, लो से हाई हो रहा है। ओके,
टेन नंबर पर मेरा VTT का पावर गुड बन जाएगा। टेन नंबर पर क्या होगा? VTT का पावर गुड। ये जो पावर गुड सिग्नल होता है वो क्या होता है, आपको वो भी ध्यान रखना है। हमारा जो छोटा छोटा जो पावर सेक्शन होता है, आपको थोड़ा सा मैं देखा देता हूँ, इस बोर्ड पे ही देखो, ठीक है। इधर पे हमने काम किया था, इस बोर्ड अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, तो ये बोर्ड का वीडियो भी आ गया बहुत दिन पहले। इधर पे एक VTT सेक्शन है, दो MOSFET, एक कंट्रोलर लगाया गया है। ये जो कंट्रोलर वगैरह होता है ना, ये सभी एक पावर गुड जनरेट करता है। इसका मतलब है मैं ओके हूँ, मेरा पावर प्रॉपर है, मैंने प्रॉपरली पावर जनरेट कर दी। उसके बिहाब में अगर वो सब कुछ हो रहा है प्रॉपरली, तब आप पावर गुड चेक कर लो। आपके पास एक बोर्ड आया है, समझ लो, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक आपके स्टडी में हेल्प करेगा, इसे सुन लो। अगर आपके पास एक बोर्ड आया है, आपके पास एक चाइनीज़ वाला समझो बोर्ड आया है, आपके पास बहुत सारा बोर्ड ऐसे आता है जिधर पे हमारा रैम वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है और थोड़ा सा कम बन रहा है, 1.5 की जगह 1.6 बन रहा है और 1.4 बन रहा है, हम लोग उसे अगर समझेंगे वो गलत है, ठीक है, तो ये मिसगाइड भी हो सकते हैं हम, बट वो गलत भी हो सकता है। तो हम कैसे समझे वो ओके है कि नहीं, आप उसका पावर गुड चेक कर लो। अगर पावर गुड वो दे रहा है, 1.4 वोल्ट में पावर गुड आ रहा है, तो वो सप्लाई ओके है, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। नहीं तो एक ही जगह में जो चीज़ ख़राब भी नहीं है उधर पे ही आप काम करते रहोगे, वो वोल्टेज भी नहीं बनेगा, वो उतना ही वोल्टेज बनता रहेगा, आप पूरा काम आपका ख़त्म, ठीक है। तो पावर गुड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी मेरा CPU, ये मेरा VTT जो मैंने दिखाया था वो मेरा VTT है, जब भी PCH हाई होगा, PCH का वोल्टेज मेरा CPU को, देखो इधर पे IC का नंबर भी लिखा गया है, RT8121, ये जो IC है इसको जो इनेबल मिलता है, इनेबल क्या है, इनेबल है आपका, इधर पे थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लो, आपका वोल्टेज आया, आउटपुट होगा, बट दो स्विच दबाने के बाद होगा। पहला है पावर इन का स्विच, पावर इन ऑन कर दिया, स्विच से समझ लो लाइट है, बल्ब है, उसे जलाना है, दो स्विच कनेक्ट किया गया है सीरीज में, ठीक है, समझो ऐसे, देखो ये एक बल्ब, ये एक सीरीज में दो बल्ब है, ओके, ये मेरा बल्ब है, इधर पे मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, 230 वोल्ट अप्लाई कर दिया, इधर पे ये ग्राउंड है, ओके। तो ये लाइट कब जलेगा, पहले जो स्विच ऑन किया इधर से, ये जो है ये मेरा पावर है, आपको पावर मिल गया, VDD पावर मिल गया, समझो इस IC का पावर रिक्वायरमेंट है 5 वोल्ट, तो इसे 5 वोल्ट मिल गया, ओके 5 वोल्ट। फिर हमारा आएगा इनेबल, ये इनेबल स्विच जब तक नहीं दबाऊंगा ये वोल्टेज इधर पे जाके रुक गया था, अभी ये पास होके मेरा ग्राउंड के साथ हो गया और लाइट ग्लो हो गया, ये होता है इनेबल। इनेबल के लिए हमारा पहला वाला जो इसका आगे का स्टेज का जो पावर है, उसके पावर का जो आउटपुट है और पावर गुड है, उसे यूज़ करता है इसके बाद वाले के इनेबल के लिए, समझ गए ना। देखो इधर पे जो हमारा 8061 का जो बोर्ड वगैरह होता है, इसमें रैम पावर जब बन गया, रैम पावर आया किस में, हमारा इधर पे एक MOSFET है, राइट, हाँ ये देखो इधर पे एक MOSFET है, ये MOSFET जो है ये मेरा PCH के लिए वोल्टेज बनाएगा, इधर पे आया इनपुट में 1.5 वोल्ट, गेट कंट्रोल होके 1.05 वोल्ट चला गया PCH में। तो इधर पे तो कोई IC वगैरह नहीं यूज़ हुआ है, तो इसका पावर गुड का भी कोई सिग्नल नहीं है, तो पावर गुड से अगर इसे इनेबल करना चाहे तो पावर गुड तो नहीं है, तो क्या करूँ, कैसे इनेबल करूँ इसका नेक्स्ट वाला स्टेज। एक स्टेज नहीं बनेगा तो उसके बाद वाला सभी स्टेज कोलैप्स कर जाएगा, ओके। अगर आपका रैम नहीं बना तो कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा, बिकॉज रैम का पावर से PCH बनेगा, PCH के पावर गुड से बनेगा, पावर गुड नहीं पावर से बनेगा, VTT के पावर गुड से बनेगा, कोड ऐसे करके हमारा आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से आप समझ लो, ये मुझे नहीं लगता कोई भी बताएगा, मैं बहुत एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बता देना थोड़ा, ठीक है। तो मेरा जो मेहनत है वो
वेस्ट नहीं होगा, यही मेरा बोलना था। ठीक है, चलो देखो, 10 नंबर पे हमारा VTT का पावर गुड, इसका मतलब PCH का जब ही वोल्टेज बन गया, रैम वोल्टेज पहले बना 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट से बना PCH का वोल्टेज से हमारा पिन नंबर 7 पे इनेबल आएगा CPU VTT। ये जो IC है इसका पिन नंबर 7 इनेबल है, इनेबल जब भी हो जाएगा तो ये तो आउटपुट कर देगा मेरा 1.05 वोल्ट VTT सप्लाई। ओके, ये VTT सप्लाई मेरा बन गया। ठीक है, तो इस वोल्ट, ये पावर जब भी बन जाएगा इसका एक पावर गुड होगा। पावर गुड का मतलब मैं ओके हूँ, मैं प्रॉपरली रनिंग हूँ, इसका पावर गुड से हमारा वीकोर बन रहा है। अगर पावर गुड ओके नहीं है तो वीकोर नहीं जेनरेट होगा। ये सब आपको स्टेज बाय स्टेज चेक करना है, ये ही सिक्वेंस है। सिक्वेंस का मतलब क्या है, एक स्टेज बाय स्टेज परफॉर्मेंस है, राइट। तो ये देखो पिन नंबर 38 इधर पे जो हमारा कोर है, ये RT का 8859A है, बहुत फेमस IC है। इसका 38 नंबर पिन हमारा है इनेबल अंडरस्कोर VTT, इसके मदद से मेरा वी कोर इनेबल होता है। इधर पे और भी नेम होता है VR हॉट, ओके, ये सिग्नल का नाम होता है, नेम होता है, ओके, VR ऑन, ओके, इनेबल ऐसा EN_VTT, इससे VTT से ये इनेबल हो रहा है, इस ऐसा भी नाम नेम हो सकता है, तो आपको इनेबल थोड़ा सा चेक कर लेना है। ठीक है, ज़्यादातर केस में VR हॉट होता है, ठीक है, तो VR ऑन भी होता है। तो अभी 38 नंबर पिन पर हमारा पहला प्रीवियस का जो वोल्टेज बन रहा था VTT, उससे मेरा बन गया वी कोर। अभी कोर इनेबल हो गया, ठीक है, जब कोर इनेबल होगा, ये इधर पे देखो 10 के बाद अब आ जाओ फिर से मेरा सुपर आयो पे, ओके, 11 वाला जो है वो होगा मेरा जो ATX का पावर गुड, वो सिग्नल। अभी तक ये इनेबल हुआ है, ये इनेबल हो गया है, बट अभी तक ATX को पावर गुड नहीं, ATX ने पावर गुड नहीं भेजा है आयो को। तो ATX का जो पावर गुड है वो लो से हो जाएगा हाई, लो से हो जाएगा हाई, जीरो से हो जाएगा 5 वोल्ट। जब भी ATX का पावर गुड मिलेगा, पिन नंबर 54 ATX PG, इसका मतलब पावर गुड जब भी मिलेगा 11 पर 12 पर, वो इसके बिहाफ पर PCH को इन्फॉर्म करेगा, ओके मुझे ATX ने बोला है हमारा पावर सब ओके है। पावर गुड का मतलब क्या है, पावर ओके है, तब उसके बिहाफ पे पावर ओके का सिग्नल जेनरेट करेगा हमारा SIO। इस ये भी होगा क्या, लो से हाई। तो इधर पे देखो पावर गुड इधर पे लिखा गया है, इधर पे लिखा गया है पावर ओके। ये पावर ओके सिग्नल मिलेगा 12 पर, ओके, 12 नंबर पर पिन पर हमारा पावर ओके मिल गया। अब आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है, अब हम PCH से कम्युनिकेशन करेगा हमारा किसके, CPU पर, ओके, CPU पर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, अब जब भी मुझे 12 में मिल गया मेरा पावर गुड का सिग्नल, 13 में जेनरेट कर रहा है DRAM पावर ओके का सिग्नल, ओके, जो DRAM है हमारा, जो रैम है, जो DRAM मतलब DVMM उसे बोलते हैं, ठीक है, DRAM है वो मेरा जो रैम है, आप समझ लो पाती हिंदी में बोले तो रैम का जो पावर ओके है वो जेनरेट करेगा हमारा PCH CPU को बताएगा रैम पावर ओके, रैम का पावर ओके है, ठीक है, DRAM पावर ओके। पिन नंबर 13 चला गया PCH से हमारा सैंडी ब्रिज, ये मेरा क्या बोलते हैं सेकेंड जेन और थर्ड जेन प्रोसेसर में, ओके, 13 पर। 14 में क्या जाएगा, ये एक साथ ही जाएगा, ठीक है, 13, 14, 15 में एक साथ तीन सिग्नल PCH से CPU की तरफ जाएगा, वो है मेरा CPU का क्लॉक, ओके, क्लॉक सिग्नल, ये क्लॉक है, फिर जाएगा पावर ओके का सिग्नल, CPU पावर ओके का सिग्नल। जब ये तीन सिग्नल आयो के तरफ से मेरा क्या बोलते हैं इसे CPU तक आ गया, 16 में क्या होगा थोड़ा सा देखो, 16 में हमारा जो CPU है वो और जो VRM IC है उसके बीच में कम्युनिकेशन पाथ बनता है, उसे बोलते हैं VIDS आउट, ओके, ये देखो
इधर से एक 16, हाँ ये 16, ये 15 हो गया। इसके बाद 16 में एक कम्युनिकेशन होगा, वो डाटा का कम्युनिकेशन होता है। देखो इधर पे दो मार्किंग किया है, दो तरफ, इधर पे सभी है एक तरफ, राइट, इधर से इधर तक, PCH से CPU तक, बट ये है कम्युनिकेशन पाथ, ये दो तरफ जाता है, ये पावर का, सॉरी पावर नहीं, डेटा का कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। VRMIC से ये हमारा 16 नंबर पर VIDS आउट होगा, ओके। ये सब, ये जो सिग्नल है ये आप ऑसिलोस्कोप से बिना वो आप नहीं देख सकते। 17 पर जब भी ये वोल्टेज, ये जो डाटा वाला पिन है ना, इससे ही हमारा CPU, हमारा जो कोर IC है उसे इन्फॉर्म करता है हमें कितना वोल्टेज चाहिए। ये जो हमारा ये क्या है, CPU है, इसे परफॉर्म करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, ओके। तो ये डाटा मैंने कम्युनिकेशन हो गया CPU के और कोर के बीच, IC के बीच। अभी जो कोर IC है वो जेनरेट कर देगा मेरा जो क्या बोलते हैं वी कोर जो सप्लाई होता है वो। तो देखो वी कोर 17 में कोर IC से बन रहा है और CPU को चला गया वी कोर, तो वी कोर सप्लाई अब जेनरेट हो गया। अब CPU हीट करना चालू कर दिया, अब जो बोल चेक करते हो ना ऐसे ऐसे करके, ये हीट हो रहा है कि नहीं, इतना स्टेज आग पहले हो जाता है फिर वो स्टेज जाता है, आपको मालूम था? अगर मालूम था तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत कोई बात नहीं, अब अभी मालूम हो गया ना, यही बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मेरा वी कोर जेनरेट हो गया, वोल्टेज आ गया, समझ लो 1 वोल्ट, ओके, 1 वोल्ट जेनरेट हो गया। तो अभी इसके बाद क्या, राइट, 17 वाला है, अभी हमारा जो कोर है वो आईसी जो है वो एक सिग्नल जेनरेट करेगा, उसे बोलते हैं VR रेडी। पहले मैंने बोला था VR हॉट, VR ऑन। VR का मतलब जो होता है वो मेरा CPU के, सॉरी वी कोर के लिए यूज़ करा जाता है। तो जब अगर VR हॉट से इनेबल हुआ है, फिर VR रेडी से हमारा जो कोर है वो PCH के कम्युनिकेशन करेगा, जो हमने जो कोर वोल्टेज जो बना दिया है, एवरीथिंग ओके है। देखो अब इसका डायरेक्शन देखो, कोर IC से, ये कोर IC है 8859 है, इसके इधर से आ रहा है मेरा PCH पर। ये जो सिग्नल है ये बहुत सिग्नल, इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ये है सिस्टम पावर ओके का सिग्नल, ओके, ये सिस्टम पावर ओके, तो इधर पे लिखा भी हुआ गया है, मैं देखा नहीं, ये है सिस्टम पावर ओके का सिग्नल। जब भी सिस्टम पावर ओके बन गया, ठीक है, अभी कितना पर हम लोग चल रहे हैं, 18, ठीक है, अभी 20 पे हमारा 2-3 PCI एक्सप्रेस वाला जो शॉर्ट स्लॉट वगैरह होता है, PCI एक्सप्रेस मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, PCI जो रिसेट वाला सिग्नल होता है ना, SIO के तरफ से वो सब सिग्नल निकलेगा। देखो इधर पे वो किधर किधर पे जाएगा, PCI एक्सप्रेस पे जाएगा, हमारा USB पे जाएगा, उससे रिसेट जेनरेट होता है, ठीक है। देखो इधर पे एक बार जब सब कुछ बन जाएगा, एक बार जो सिस्टम है वो रिसेट होगा, ओके, इधर पे लिखा गया था ना रिसेट डायग्राम, इसलिए लिखा गया था। देखो 20 नंबर पिन पर 12 से और 44 से मेरा निकल रहा है PCI RST हैस, ये 2 है ये 3 है, दो रिसेट सिग्नल बना। PCI RST का मतलब रिसेट है, इधर पे भी RSM रिसेट RST लिखा गया था, इसका मतलब क्या था, रिसेट। तो दो सिग्नल इधर से निकला, क्या क्या रिसेट करेगा, देखो स्लॉट PCIe, इसका मतलब एक्सप्रेस वाला जो पोर्ट होता है हमारा जो ग्राफिक्स है उसे रिसेट करेगा, LAN PCI ब्रिज, जो ब्रिज USB 3.0 इसे रिसेट करेगा, और एक ब्लॉक के मदद से, ठीक है, ये आप छोड़ दो, ठीक है, ये आप छोड़ दो, ये एक MOSFET हो सकता है, ठीक है, इससे इधर पे एक कंपोनेंट लगाकर इधर से ही रिसेट सिग्नल जेनरेट करता है CPU के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मेन फाइनल रिसेट जाता है CPU के लिए। ये देखो इधर पे लिखा गया है रिसेट, ये है PCI SIO PCI RST 2, ये RST जो है इधर से, ये जो PCI RST 2 वाला सिग्नल है ये ही डिवाइडेड होके आ गया मेरा CPU पे। इसे बोला जाता है हमारा बहुत, आप देखोगे बहुत, क्या बोलते हो उसे, अगर एडवांस में आप देखोगे
यही फाइनल स्टेज होता है जो हमारा लैपटॉप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो एक एंड गेट लगाया गया जाता है। ये एक एंड गेट है ऐसा, इधर से आउटपुट होता है एक, ये इनपुट, दो इनपुट होता है एंड गेट के लिए। ओके, तो एक इन्वर्टिंग इनपुट, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ओके, सो नहीं सॉरी सर, मैं क्या बता रहा हूँ, नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग, सॉरी वो तो ऑप एम्प है, वो नहीं है। ये मेरा एंड गेट है, इधर पे दो इनपुट आएगा। इसका जो काम है वो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। वो ये लॉजिकल ऑपरेशन, हमारा जो लॉजिकल कैलकुलेशन होता है वो सब एंड गेट से करा जाता है, ठीक है। तो इधर पे मेरा आ गया 3.3 वोल्ट। अगर आप 3.3, इधर पे जो सिग्नल वगैरह होता है, इधर पे एक ट्रूथ टेबल, उसे बोलते हैं ट्रूथ टेबल, इसका मतलब टीटी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब है जब 1 1 होगा, हाई हाई आएगा तो मेरा हाई होगा, बट 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई, इधर आपको समझ लेना है, ये जो दो है ये दो मेरा इनपुट है। ओके, इनपुट 1, ये इनपुट 2 है। ओके, 1 1 आया माने हाई हाई आया फिर हाई होगा, और हाई के साथ कोई भी अगर आया तो आपको मिलेगा 0 0। ओके, तो अभी 3.3 इधर पे आ गया, 3.3 इधर पे आ गया। ये जो सिग्नल है, ये मेरा फाइनल सिग्नल होता है, जिसे बोला जाता है CPU बफ, इसे बोलते हैं बफर रिसेट, RST। ये होता है CPU बफर रिसेट हैश। ये सिग्नल, ये 3.3 CPU में जाता है, वो फाइनल रिसेट करता है, ठीक है। तो अभी इधर पे देखो 3.3 जो आया है, ये आएगा दो जगह से। एक है हमारा PLT RST हैश, ये PLT रिसेट है, और आएगा सिस्टम, इधर पे जो आया था सिस्टम पावर गुड। ओके, पावर गुड, सिस्टम पावर गुड सिग्नल, सिस्टम में एवरी पावर ओके है, PLT रिसेट का सिग्नल। जब एंड गेट पे आएगा तब एंड गेट, इधर पे हाई हाई का लॉजिक बना तो आउटपुट भी हाई होगा, इधर पे एक हाई के साथ कनेक्टेड भी होगा 3.3 के साथ। ओके, तो तब ये CPU बफर रिसेट जनरेट करता है। ये जो डिवाइड इसे लिखा गया है ना, डिवाइडेड, तो ये इधर पे एक ऐसा वाला, एक एंड गेट का साथ और MOSFET के साथ एक सर्किट बनाया जाता है, वो रिसेट को कंट्रोल करता है, और मिल गया फाइनल रिसेट मेरा जो सैंडी ब्रिज, जो हमारा CPU है उसको 20 नंबर। अभी देखना है और क्या कुछ है, बाकी है। देखो अब 20 के बाद में और कुछ भी नहीं है, बिकॉज यही मेरा फाइनल है। 20 के बाद में कुछ भी है देखो, नहीं है, राइट। ये मेरा फाइनल आउटपुट है, रिसेट जो होता है फाइनल यही है, मैं बोला ना इधर पे, तो अब कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, ये जो है ये रिसेट बटन है, जो हम रिस्टार्ट करते हैं CPU को, वो रिसेट, इसे बोला जाता है सिस्टम RST हैश। ये जो सिस्टम RST जो होता है, ये सिस्टम जो रिसेट होता है, ये हमारा PCH को डायरेक्ट जाता है, जो पूरा जो सिस्टम है उसे रिसेट पोजिशन पर डाल देता है, पूरा सिस्टम घूम जाएगा, पहले से फिर से स्टार्ट हो जाएगा स्टेज 1 से, एकदम पावर बटन के बाद से। पावर बटन तो मैंने ऑन कर दिया था, तो ये जब भी मैं दूंगा तो ये पावर बटन 2 नंबर पे था, 3 नंबर SB वो भी था, 4 नंबर पे मेरा जो है RSM RST, इधर से मेरा फिर से सीक्वेंस चालू हो जाएगा, ये पूरा सीक्वेंस रिपीट होगा, लास्ट रिसेट होगा, CPU डिस्प्ले आ गया मेरा। ओके, यही था मेरा ब्लॉक डायग्राम। अब थोड़ा सा छोटा सा, आपको बहुत देर हो गया, छोटा से एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, प्रिंट किया हूँ पैसा दे के, ठीक है, मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं इसे दिखाऊंगा तो ज़रूर। देखो ये एक मैंने MSI का बोर्ड से लिया है, ये जो मॉडल है वो है 7647, मुझे जितना मालूम है MS का। ओके, MSI का है ये, 41 का एक बोर्ड है। इधर पे एक थोड़ा सा सिग्नल वगैरह का आपको एक व्यू दे देता हूँ। मैंने पहले बोला था आपको, इधर पे मैंने बोला था PCH के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है PCH का पहला जो है वो है RTC,
तो इधर पे देखो, ये वोल्टेज का सिग्नल लेवल है। ये सब क्या है मैं थोड़ा सा बता दूंगा। ये है VCC RTC, ये पहले बन जाएगा, पहला स्टेज। ये स्टेज देखो, ये स्टेज है, लास्ट में बन रहा है PLD RST, जो मैंने इधर पे बताया। ये इधर पे नहीं मिलेगा, ये PLD RST है। और सिस्टम पावर ग्रिड जो मैंने बताया ना, लास्ट में बनता है, उससे बनता है CPU बफर रिसेट। तो लास्ट में हमारा ये सिग्नल बनता है PLD RST। ओके, ये आ गया तो समझ लो बोर्ड का 99% ओके है। ठीक है, तो पहले आया 3.3 वोल्ट RTC, ओके। इसके बाद आप लोग जो क्या बोलते हैं उसे RTC RST है, वो आप समझ लो RTC VCC से हमारा दो तीन सिग्नल बनता है। वो है RST, जो RTC RST होता है, SRTC RST होता है, ऐसा दो तीन सिग्नल बनता है। वो पूरा ही RTC का सेक्शन का है। ठीक है, अगर आप RTC का सेक्शन अच्छे से पढ़ना चाहो तो वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं इधर पे थोड़ा सा जस्ट बता देता हूँ रफली, ओके। फिर देखो इधर पे RTC क्लॉक है, ये RTC का क्लॉक है। देखो क्लॉक सिग्नल मैंने पहले इधर पे भी बताया था, क्लॉक सिग्नल देखा कैसे जाता है, अप डाउन अप PWM के द्वारा। तो ये इधर पे है, तो ये मेरा RTC का क्लॉक है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, 5 वोल्ट रेफरेंस सस। ठीक है, ये सस वाला वोल्टेज जो सस्पेंड होता है, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद 3.3 का सस बनेगा, ये 3.3, फिर 1.05 का सस बनेगा। ठीक है, ऐसे करके सस वाला जो सिग्नल है, सस का मतलब है सस्पेंडेड। तो ये सस्पेंड का वोल्टेज आ गया, एक एक करके ऑन हुआ। देखो ये पहले ऑन हुआ, इसका मतलब क्या है, ये जीरो पर था लो, अब हो गया हाई। स्टेज इधर पे लिखा गया है सब स्टेज, ओके। ये है स्टेज G5। ठीक है, ये भी G5 स्टेज, ये S, अरे जी इसका बात, सॉरी ये G5 है। ये RTC वाला जो है वो G5 में पड़ता है। इसके बाद आपका आएगा S5, जो मैंने उधर पे नहीं था, इस बोर्ड में S5 है। इसके बाद आएगा S4, इसके बाद S3, इसके बाद S0 स्टेज, ये फाइनल स्टेज है, ओके। तो ये मेरा स्टेज डिवाइडेड किया गया है। तो अभी देखो, तो इसके बाद जब सास वोल्टेज वाला सब पार्ट रिलीज़ हो गया, S4 सिग्नल का जो फंडा था वो चला गया, फिर आया RSM RST हैश, रिसेट सिग्नल आया इधर पे, रिसेट ऑन हुआ। ठीक है, स्टेज को फॉलो करो, एक एक स्टेज थोड़ी थोड़ी देर बाद बन रहा है। इधर पे लिखा गया है T2, यह टाइम है, बहुत जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इधर पे आपको दिखाया गया है, आप इधर पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अगर आपको ये समझ गया तो हो गया। मैंने ये जस्ट दिखा रहा हूँ कैसे स्टेजेस वगैरह हमको देखने मिलता है। अगर आप ऑसिलोस्कोप में चेक करोगे तो ऐसे ही स्टेज, पहला स्टेज ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर क्लॉक बनेगा, ऐसा स्टेज दिखाई देगा। इधर पे एक छोटा सा डायग्राम मुझे मिला, अच्छा लगा, तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो RSM RST जब भी ये निकल गया, RSM RST, तब ये है मेरा जो RST का सिग्नल था, मैंने पहले बताया था, ये मेरा RSM RST 4 नंबर जो आउटपुट हो रहा था। ये जो मेरा सस वाला सिग्नल है 5, 3, 1.05, ये सभी ATX का पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ATX वाला है, तो ये 1.05 नहीं होगा, ये 1.5 होगा रैम के लिए। ठीक है, गलत है ये। चलो अभी इसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्या हो गया। ओके, अभी इसके बाद क्या हुआ, सस सी का क्लॉक है। ठीक है, सस क्लॉक है। RSM रिसेट के बाद हमारा सस क्लॉक बना, जो सस्पेंड का क्लॉक सिग्नल है, देख सकते हो क्लॉक सिग्नल जो होता है वो ऐसे ही होता है। इसके बाद SLP S4 SLP S3, जो उधर पे था हमारा रिटर्न वाला सिग्नल, SLP S4 SLP S3, वो रिटर्न वाला सिग्नल आ गया। उसके बाद हमारा V5 वोल्ट रेफरेंस बन गया, 3.3 वोल्ट रेफरेंस VCC बन गया, ओके। इसके बाद हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इधर पे हमारा वोल्टेज जो FSB VTT है, CPU VTT है, ठीक है, तो देन मैंने पहले ये सब जो वोल्टेज वगैरह है, ये जो इधर पे मैंने दिखाया था इधर पे, तो इसके बाद पे, ठीक है, ये मेरा 6-7 हो गया। इधर पे थोड़ा सा 8 किधर गया, 8 PS ऑन हो गया, 9 हो गया। 9 के बाद में जब भी मेरा क्या बोलते हैं PCH का वोल्टेज बन गया था, तभी मेरा VTT वगैरह CPU वगैरह ऑन होना चालू कर दिया। ठीक है, जो इनेबल्स वगैरह है वो सभी ये है। ठीक है, ये FSB
जो है था ये फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ठीक है। ये VTT है, ये फिर CPU के लिए है, ठीक है। देन VRM PGD, इसका मतलब है VRM पावर कोड। अगर ये सब कुछ ओके रहा, तो इधर से मैंने दिखाया था, ये सब कुछ ओके रहा तो VR रेडी जो सिग्नल है ये पावर कोड होता है VCore का, PCS तक जाएगा। तो ये भी कोर जेनरेट कर दिया, इसके बाद इसका CK जो पावर कोड है वो जेनरेट कर रहा है, फिर चिप पावर कोड जेनरेट कर रहा है, लास्ट में जेनरेट कर रहा है PLD RST। सो ये मैंने थोड़ा सा जल्दी में क्यों बताया, बिकॉज ये जस्ट इसको जो मैंने बोला था ना, ये स्टेज इधर पे लिखा गया है, ये जो स्टेज मैंने ड्राइंग करके दिखा रहा था, जो मैंने बोल रहा था S4 S3 स्टेज, तो यही होता है। तो G वाला जो होता है, पहला होता है G5 स्टेज, ओके, ये पूरा RTC सेक्शन का है। इसके बाद में आएगा S5, इसके बाद में आएगा S4, इसके बाद में आएगा S3, इसके बाद में आएगा S0 स्टेज, ये फाइनल स्टेज है। देख लो, ऐसे करते हुए आप देख लो, PLD RST जो है वो पूरा टाइम G3 में ऑफ, इधर पे देखो G3 में ऑफ, S3 S4 में ऑफ, S3 में भी ऑफ, S0 में भी बहुत दूर तक ये ऑफ ही है, बट उसके बाद फाइनली इसके देखो, इधर अगर ये ऊपर चला गया, इसका मतलब ये लो था 0 वोल्ट, इधर पे चला गया, ये रीसेट है। हाँ, रीसेट ऐसे होता है, ओके, ऐसे एक सिग्नल आके माने एक रीसेट होके फिर ये हाई हो जाएगा। आपको जो मल्टीमीटर में दिखेगा वो 3.3 वोल्ट दिखेगा, बट ये ऑसिलोस्कोप में आप देखो तो इधर पे एक सिग्नल आके वो छोड़ के फिर से वो हाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वो रीसेट बना दिया, जो मेरा फाइनली CPU को रीसेट करने के लिए, इधर पे मैंने बोला था CPU को रीसेट करने के लिए यूज़ होगा। अब CPU रीसेट हो गया तो मेरा डिस्प्ले कन्फर्म, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा वाला कुछ बोर्ड है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लो। अगर ऐसा बोर्ड है, आपके PLT रीसेट मिल रहा है, PLT रीसेट किधर पे मिलता है, मैं थोड़ा सा एक लैपटॉप के बोर्ड से समझा देता हूँ। ये देखो, एक लैपटॉप का बोर्ड है, ये जो हमारा सबसे ईजी आप चेक कर सकते हो विदाउट स्कीमेटिक, ये जो हमारा ये क्या है, ये कनेक्टर को आप पहचानते हो, ये कनेक्टर को, ये हमारा जो वाईफाई अडाप्टर का पोर्ट है वो कनेक्टर है। इसका पिन नंबर 22 चेक कर लो, पिन नंबर कितना 22, इधर से 1, ये ऐसे काउंट किया जाता है रैम की तरह, रैम स्लॉट की तरह काउंट किया जाता है, 1 ये 2, इधर पे मार्क किया गया है, इसका मतलब ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, इसका मतलब आप ऐसे चेक करो, 1 4 6 8 10, ऐसे करके। तो अब इधर पे जब आओगे तो देखना है 22 पिन नंबर पिन पे आपको 3.3 मिल रहा है कि नहीं। अगर आपके पास अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप है तो आपको देखना है रिसेट सिग्नल प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं, ओके। अगर रिसेट बन गया उसके बाद क्या, डिस्प्ले नहीं फिर भी आउट हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसे चेक कर लो, जो बफर आउटपुट होता है, जो फाइनल रिसेट जेनरेट करता है सीपीयू के लिए, उसे चेक कर लो, इधर पे भी प्रॉब्लम मिल जाता है। तो अगर आपके पास प्रॉपरली स्कीमेटिक है, डायग्राम जो उसकी मैं बोर्ड व्यू है वो प्रॉपर है, तो आप बहुत दूर तक चेक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो ये मेरा स्टेजेस था, इसे थोड़ा सा आप दिमाग से थोड़ा सा दूर ही रखो तो अच्छा है, बिकॉज़ ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भी जानता हूँ, बट ये मैंने क्यों दिखाया, बिकॉज़ मैंने पैसा खर्च किया है, नहीं चलो मजाक छोड़ के बोलते हैं, तो ये मैंने दिखाया बिकॉज ये मेरा स्टेजेस है जो इम्पॉर्टेंट है मेरा ये सिग्नल के लिए। तो मैं एक मेरे पास और दो थोड़ा दिखा देता हूँ, ये मैं जानता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, ओके, रुक जाओ, मैं अभी आपका और वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, देखेंगे, ये देख ला फोन में, अब फ्री टाइम में अब देखना। ये जो है ये लैपटॉप के लिए है, देखो AC मोड, बैटरी मोड, ये लैपटॉप के लिए, ये मेरा डायग्राम है ब्लॉक, और ये मेरा है बहुत है ना, देखो कितना लाइट है, इधर पे कितना वोल्टेज का वेरिएशन है, थोड़ा सा क्लोज ले लेता हूँ, ये बहुत छोटा है। तो ये देखो,
जो मेरा एसी इन से स्टार्टिंग किया गया है, वोल्टेज आया 19 वोल्ट, फिर एक 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 करके वोल्टेज जाएगा G3 से A0 स्टेज पर। ओके, ये एक SOC वाला बोर्ड है, ओके, HP का बोर्ड है, मैंने डाउनलोड किया था। तो देखो इसका भी लास्ट वाला जो सिग्नल है वो है PSP LT RSP hash। तो ये मेरा जो फाइनल सिग्नल है वो है, राइट। तो इधर पे भी देखो और इधर पे भी देखो, ओके। तो यही मेरा फाइनल स्टेज होता है, ये मेरा लैपटॉप के लिए है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अब जब आपके पास बोर्ड आएगा आप स्टेप बाय स्टेप चेक करना, बट पूरा स्कीमेटिक पे भरोसा रखेंगे फिर नहीं चलेगा। बहुत टाइम हम लोग ऐसे देखे हैं स्कीमेटिक पे बहुत इंपॉर्टेंट वाला सप्लाई मेंशन ही नहीं किया गया है और कुछ गलत मेंशन किया है, ऐसा भी होगा, ओके, आपके पास भी ऐसा मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा उसे पहले नॉलेज आपको इंक्रीज़ कर लेना है। जब आप इंक्रीज़ कर लोगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा ये रॉन्ग है, इसके बाद ये सिग्नल होना चाहिए था, वो मिसिंग करके और एक सिग्नल लिख राइटिंग कर दिया कंपनी वालों ने, बिकॉज वो सब सिग्नल को नहीं दिखाता है। इसके बाद जो स्टेजेस होता है, देखो PLT रिसेट के बाद कोई कुछ नहीं, मैंने इसके बाद हमारा बोर्ड में डिस्प्ले आना चाहिए, बट मैंने बोला इधर पे बफर सिग्नल होता है जो रिसेट क्रिएट करेगा। आप थोड़ा सा लैपटॉप का एक डायग्राम लेके देख इधर पे थोड़ा सा देख लो, ओके, एक लेनोवो वगैरह के लैपटॉप का डायग्राम ले लो, उधर पे बफर रिसेट आपको मिल जाएगा, ओके, सभी बोर्ड पे मिलेगा, कोई लेनोवो के बोर्ड पे नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक लेनोवो के बोर्ड से ही मैंने लिया है, ये EG521 है, ठीक है, मैं भूल गया इसका ये क्या है, मुझे लगता है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत ही नया है, ठीक है। इधर पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और भी ज़्यादा हो जाएगा, ये देखो स्टेजेस कितना बड़ा है, कितना कुछ इधर पे है, बट अब वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने दिखाया बोला था। इधर पे A1 B1 करके लिखा है, ए पहले ए से A1 A2 A3 A4 ऐसे करके जाएगा, फिर B1 B2 B3 ऐसे करके जाएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा AB में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। इसमें अभी EC है, ये मेरा IO है, PCH है, ये मेरा CPU है, इसका कम्युनिकेशन, इसका पावर कन्वर्शन और कौन कौन सिग्नल से ये पावर कन्वर्शन होता है, मैंने उधर पे बोला था SASP, SASON, सिस्टम ऑन, SASON, SASP, SASBCP, ये सभी इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप EC ऑन करता है, और ये जो SAS सिग्नल है ये पूरा SLP से कंट्रोल होता है, लैपटॉप में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। चलो अभी इधर पे वीडियो को क्लोज करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सॉरी जिसने रिक्वेस्ट किया था, मैं नाम भूल गया, ठीक है, आपके लिए ये वीडियो था, सभी के लिए है, बट सॉरी देर हो गया वीडियो, और एक रिक्वेस्ट है उसे भी परफॉर्म करूँगा, टाइम मिले तो जल्दी ही कर लूँगा, ठीक है, आपको मैं वो भी दिखा दूँगा, वो उन्होंने बोला है VCore IC का रिक्वायरमेंट और IO का रिक्वायरमेंट, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। VCore IC का तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जो आप मल्टीमीटर वगैरह से चेक कर लो, वो ज़्यादातर ही जो होता है वो ऑसिलोस्कोप से चेक करना है, हम भी नहीं कर सकते अभी तक, तो मेरे पास ऑसिलोस्कोप नहीं है, तो उसका थोड़ा सा रिक्वायरमेंट मैं कम दिखाऊंगा, बट SIO का जो रिक्वायरमेंट है इससे ज़्यादा मुझे मिलेगा व्हेन मैं जाऊंगा किधर पे, मेरा लैपटॉप की बोर्ड पे। देखो ये मेरा पूरा SIO का रिक्वायरमेंट है, ओके, तो इसे भी एक वीडियो में बताना है, ओके। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ एक कॉमेंट एंड लाइक कर देना, बता देना मेरा काम, मेरा जो ये स्टडी है आपको कैसे लगा, मैं तो ये सब नहीं करता हूँ, रिपेयर करता हूँ, आप लोग बोलते हो इसलिए कर रहा हूँ, तो भूल चूक हो गया तो माफ़ कर देना, ठीक है, मैं न्यू हूँ इस फील्ड में, तो मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ, तो मैं कोई 30 मार्क खान तो नहीं हूँ ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे से भी बहुत कुछ मिस्टेक हो जाता है, भूल करता हूँ, ये देखा ना इधर पे भूल हो गया था, मैंने माफ़ आप लोग को बोल दिया, जो देखो भाई माफ़ कर दो, भूल हो गया, ठीक है, ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, तो कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हमसे भूल होता ही है, ठीक है। तो चलो गाइस आप इधर पे वीडियो को क्लोज करते हैं, आज 100 सब्सक्राइबर हो गया, 6000 व्यूज़ हो गया, तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं ऐसे ही आपको लिए वीडियो बनाता रहूँगा, आपको हेल्प करता रहूँगा, जो भी आपके क्वारीज हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट करो,
मैं जब जल्दी से जल्दी उसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दूंगा। ओके थैंक यू गाइस। ओके चलो बाय। ओके बहुत रात हो गया, मैंने खाना भी नहीं खाया है अभी, सारे 12 बज रहे हैं। तो चलो अभी इसे वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय।